युवा प्रधान बब्बन यादव के कार्यों से गांववासी हुए खुश। खबर गाजीपुर से है, जहां सकरपुर गांव के ग्राम प्रधान बब्बन यादव के काम से गांववासी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। आपको बता दें कि युवा ग्राम प्रधान ने अपने गांव के विकास के लिए निष्पक्ष काम किया है। उन्होंने अपने गांव के गांववासियों का घर घर जाकर उनसे जानकारी लेते रहे कि किसी तरह का कोई भी समस्या परेशानी गांववासियों को ना आए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो मनरेगा मजदूरों के खाते में पैसा भिजवाया था, उस पैसे का सही तरीके से मजदूरों को मिल सके, जिसको लेकर के युवा प्रधान बब्बन यादव जागरूक दिखते नज़र आए, ताकि जो पैसा उन मजदूरों के खाते में पहुँच सके और वह पैसा इधर उधर ना हो सके। युवा प्रधान अपने गाँव सकरपुर में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने की भी नसीहत अपने गाँववासियों को दिया। इनके इस कार्य से गाँववासियों में काफ़ी खुशी की लहर है और इनके हर बातों को गाँववासी मान रहे हैं। खबरें आज भी मुजम्मिल खान गाजीपुर। क्या आरोप प्रत्यारोप लग रहा है आपके प्रधान जी के ऊपर, क्या कहेंगे? गलत आरोप लगा रहे हैं। क्या जैसे में क्या आरोप लगा रहे हैं और क्या कहेंगे आप? उनके काम से खुश नहीं हैं लोग या आप क्या? उनके काम से सभी लोग संतुष्ट हैं। कुछ आदमी गलत आरोप लगा रहे हैं तो गलत लगा रहे हैं, सही नहीं लगा रहे हैं। नाली खड़ंजा, पानी, बिजली, पैसा कौड़ी, राशन पता सब कुछ मिल ही रहा तो फिर क्यों आरोप लगा रहे हैं सब? और राजनीतिज्ञ से लगा रहे हैं। तो प्रधान जी ने विकास किया है गाँव में बहुत काफ़ी, तो ऐसे में देखा जाए पिछली प्रधान से भी अधिक किए हैं। तो ऐसे में देखा जाए कि महामारी भी चल रहा है, पूरा भारत जूझ रहा है, तो उसमें गाँववासियों को उन्होंने क्या मदद किया? उसमें सारी व्यवस्था रखे हैं और यहाँ स्कूल में भी व्यवस्था बना रखे हैं, सबके लिए सहयोग भी सुविधा पूछ रहे हैं और प्रतिदिन जा जा कर गए घर। तो आप यानी कि उनके कार्य से खुश हैं? बहुत खुश हैं हम लोग। कौन गाँव का हैं आप? प्रधान जी के काम सब खुश हैं? हाँ साहब, हमें बिल्कुल खुश हैं। कुछ लोग आरोप लगाओ थे ना, हमके प्रधान जी बहुत मदद कैले हूँ। हाँ साहब, हमारा आदमी गुजर, हमके बहुत प्रधान जी मदद कैले। प्रधान जी के कुछ लोग बदनाम करत हूँ? हाँ साहब, वो प्रधान जी अब हमने का बताएं जी, हमन का कुछ प्रधान जी के भेजा या ना कह पावत हैं। प्रधान जी बहुत सक्करपुर गांव के बहुत मदद कैले, राशन भी मिल लेला हमके, कुछ है मिल गया से मिल गया ला हमके बहुत मत पर शौचालय ना ही शौचालय तय बही ना बा। चलिए, तो आप उनके कार्य से खुश हैं? हाँ खुश हैं, बिल्कुल बिल्कुल खुश हैं। हाँ एकदम बहुत। पेंशन वगैरह आपको मिलती है? अब ही ना अब ही तो दो महीना भैल मलका के गुजर ले साहब, तो प्रधान जी मदद कैले बना। ठीक। हाँ सुखिया देवी। कौन गांव का हैं आप? हम सक्करपुर के। प्रधान जी के ऊपर कुछ लोग आरोप लगावत हुए गड़बड़ी करे का, क्या सच्चाई है? सब झूठ है। देखिए प्रधान जी जितना सहयोग दिए हैं ना, हमारा ससुर भी मुँह है, उसी में 1000 रुपया दिए हैं, फिर भी तेल भी दिए हैं, और गरीबी के लिए हम लोग के बहुत सहयोग दिए हैं। हाँ ये झूठ झूठ ही कुल बात हो रहा है उनकी ऊपर। तो ऐसे में आपको हर चीज तरह जैसे राशन वाशन सब सब मिल जाता है? हाँ, सब मिल जाता है। हाँ, और जो है प्रधान जी आपस मिलते भी हैं? हाँ मिलते हैं, मिलते रहते हैं। हाँ, दिक्कत उक्कत नहीं उनसे? नहीं कुछ नहीं दिक्कत है उनसे। हाँ, आप उनके कार्य से खुश हैं? हाँ खुश हैं लोग हम लोग। मेरा परिचय है सर, मैं सक्करपुर ग्राम सभा का मौजूदा ग्राम प्रधान हूँ, बब्बन सिंह यादव मेरा नाम है। और कुछ जो पर्चे लेना है, जो साक्षात्कार लेना है? प्रधान जी आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है जी सर, मनरेगा को लेकर के, क्या कहेंगे, क्या सच्चाई है? मेरे ऊपर सर जो आरोप मनरेगा के लगाए जा रहे हैं मेरे विरोधियों द्वारा, जो कि गांव सभा में अभी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि मनरेगा के मजदूरों का पैसे को लेकर के धांधली करने के मामले में, मैंने सारे ग्राम सभा के लोगों से, सारे मजदूरों से मैंने पुष्टि कर ली है। मेरे ग्राम सभा के सारे लोगों ने कहा है कि प्रधान जी इस तरीके की बात, हम लोगों के यहाँ भी वो लोग आए थे सहकाने के लिए, हम लोगों को बरगलाने के लिए, लेकिन हम लोगों ने साफ मना कर दिया। कुछ लोगों का जो बयान हमने चैनल के कुछ चैनल के माध्यम से देखा, उन लोगों से भी जब मेरी बात हुई तो उन लोगों ने भी कहा कि प्रधान जी हम लोगों को इस तरीके से बरगलाया गया, इस तरीके से उन लोगों ने बताया कि आप ये बयान देंगे तो आपके खाते में पैसा हम डलवा देंगे। खैर जाहिल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, हमारे गांव सभा के एक आध दो लोगों का जो नाम आया है, उन लोगों ने भी मेरे बारे में कहा है कि प्रधान जी जहाँ ज़रूरत पड़ती है, जिस बेंच पर जाने की ज़रूरत पड़ती है, जिस महफिल में जाने की ज़रूरत पड़ती है, हम आपके लिए बिल्कुल तैयार हैं, हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत या कोई भी प्रकार की आपत्ति आपसे नहीं है। ऐसे प्रधान जी आपने अपने गांव में क्या विकास किया है, और जैसे महामारी चल रहा है पूरे भारत में, ऐसे में आपके गांव में गरीब भी होंगे, असहाय भी होंगे, तो उन लोगों के आपने क्या किया है?
मैं गांव सभा में विकास तो वो किया हूँ सर, कि इतिहास गवाह है, जितने दिन से हमारे ग्राम सभा में ग्राम प्रधानी चल रही है और मैं भी एक मौजूदा ग्राम प्रधान हूँ, जा करके तह तक जानकारी लेंगे, ऐसे विकास हमने कराए हैं, ऐसे ऐसे काम हमने कराए हैं जो काम पॉसिबल नहीं थे, लेकिन लोगों से मिलजुल करके उनकी सिफारिश करके सारे लोगों को समझा बुझा करके मैंने गाँव का विकास भी कराया। जहाँ तक आपने सवाल किया इस महामारी को लेकर के, तो इस महामारी के बारे में जो बता देना चाहता हूँ, जो सरकार के द्वारा जो शासनादेश आए हैं, जो भी डिसिप्लिन अनुशासन में रहने के लिए जो भी बातें आए हैं, मैं अपने ग्राम सभा में सारे लोगों को इस अनुशासन के लिए बिल्कुल दबाव बनाया हूँ, शक्ति बनाया हूँ कि घर से कम निकलना है, घर से बाहर नहीं निकलना है, निकलना है तो मास्क लगा करके गमछी लगा करके निकलें और सैनिटाइजर का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, और उसमें किसी भी प्रकार को किसी अगर हमारे ग्राम सभा किसी गरीब को किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो हमसे आकर के मिले या हमको फ़ोन से खबर दें, उनकी सारी मदद हम करने के लिए अपने स्तर से बिल्कुल तैयार हैं। और मैंने किया भी है, ऐसा भी नहीं तैयार ही नहीं हूँ, हमने बहुत सारे अपने ग्राम सभा के गरीबों को अनाज वितरण किया है, उनको जो है सब्जी से लेकर के और सारी व्यवस्थाओं का मैंने व्यवस्था किया है और कर भी रहा हूँ, करूँगा भी, इसके लिए मैं बिल्कुल सरकार के साथ हूँ। ठीक, धन्यवाद।